हेलो एंड वेलकम बैक टू तंदूर एंड फ्राई किचन और मैं हूं शेफ कादिर। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे हम ग्रिल चिकन को सीक पर किस तरह से लगाया जाता है और इसे रोस्ट किस तरह से की जाती है, प्रॉपर किस तरह से इसे पकाया जाता है। इससे पहले वीडियो में दोस्तों आपने देखा होगा कि ग्रिल चिकन को कट किस तरह से की जाती है और इसका मैरिनेशन किस तरह से होता है और तंदूरी रेड सॉस मसाला हमने बनाया था, आपने देखा होगा। तो आइए इस वीडियो में देख लेते हैं ग्रिल चिकन को सीक पर किस तरह से लगाया जाता है और इसे रोस्ट किस तरह से की जाती है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा एक लाइक जरूर दीजिएगा और हमारा चैनल तंदूर एंड फ्राई किचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ग्रिल चिकन का इस तरह से एक सीक लेंगे और इस सीक पर हम मैरिनेशन किया हुआ इस होल चिकन को लगाएंगे। दोस्तों अगर आप हाउ टू कट एंड मैरिनेशन ग्रिल चिकन रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इस चिकन को इस तरह से लगाएंगे और ये देखिए जो हुक है, हुक पर इसे इसके लेग पीस को हम फंसाएंगे और इसे ऊपर की ओर तरफ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये विंग्स है, विंग्स को हम पीछे की ओर हल्का सा मोड़ देंगे ताकि ये पकने टाइम डिस्टर्ब ना करें। एक डबल हुक लेंगे और इसके ऊपर से इस तरह से प्रेस करते हुए लगा देंगे और इसी तरह और एक चिकन लेते हैं। ये देखिए ये जो हुक है, हुक पर इसके लेग पीस को हम फंसाएंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये चिकन बिल्कुल अपने जगह पर बरकरार रहे और कायम रहे, क्योंकि जब सीख घूमेगा तो चिकन बराबर घूमना चाहिए तभी ये बराबर पकेगा। तो इसी तरह सारा चिकन लगा लेते हैं और लास्ट में एक सिंगल हुक लेंगे और इस तरह से लगा लेते हैं। कटिंग प्लेयर की मदद से इसके स्क्रू को कस लेते हैं। हल्का सा एक्स्ट्रा मसाले को हम हटा लेंगे और इसी तरह आप सारे चिकन को सीक पर लगा सकते हैं। इधर हमारा ग्रिल मशीन बिल्कुल रेडी है, सीक को हम मशीन में इस तरह से लगा लेते हैं। दोस्तों आप 3 से 4 सीक एक साथ मशीन पर लगाकर पका सकते हैं बड़े आराम से। गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर गैस जलाएंगे और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दे देंगे। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देते ही ये चिकन धीरे धीरे रोटेट होने लगा है। ये इस तरह से धीरे धीरे रोटेट होगा और ये लो फ्लेम रखेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम, इसी तरह 2 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं पकने के लिए। ये देखिए दोस्तों 2 आवर्स के बाद बिल्कुल जूसी और परफेक्ट ग्रिल चिकन रोस्ट हमारा बनकर तैयार है। हमने इसे किचन के प्लेटफॉर्म पर ले रखा है। अब इसे स्क्रू को खोल लेंगे और ये देखिए कितना जूसी और बढ़िया सा चिकन हमारा गर्मा गर्म पककर तैयार है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया और डिलीशियस ग्रिल चिकन ये देखिए दोस्तों बनकर तैयार है। तो दोस्तों अगर आप एक होटेलियर हैं तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।